तब तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। ये मजदूर के हाथ है, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। ये मेहनत खून पसीने से कमाए हुए उन रोटी की है। जी हाँ, ये देखिए इस वक्त हम रिक्शे वाले के पास मौजूद है और आपको बता दें कि एक रिक्शे वाला कहता है कि मैं भले ही कम पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ा लूंगा, मैं अपने बच्चे की परवरिश कर लूंगा क्योंकि मैं मेहनत करने पे यकीन करता हूँ। जी हाँ, ये रिक्शे वाला कहता है। और देखिए ठंड हो, धूप हो या बरसात हो, ये देखिए इन रिक्शे वालों हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। जब भी आप थके हारे रहते हैं तो हमेशा ये तीन पहिया गाड़ी लेके आपके सामने आ जाएंगे और फिर आपकी सवारी का ये हिस्सा बनते हैं। और देखिए इन रिक्शे वालों की कहानी आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, दीपावली हमारी चैनल की एक ही मुहिम है, महाखबर 24 इस बात की मुहिम करता है कि आप अगर यहाँ पे ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, ऑटो का इस्तेमाल करते हैं, तो आप रिक्शा का भी इस्तेमाल करें ताकि इनके घर में भी एक दिया जरूर जले। जी हाँ, क्या नाम हुआ चाचा आपका? अशोक पासवान। अशोक पासवान जी, कितने बजे यहाँ पे आते हैं? सवेरे। सुबह कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब खा पी के आते हैं कि नहीं घर से? भूखले रहते हैं। झूठ नहीं बोलना है। तब पहले 6 बजे आते हैं। नहीं, जब 8 बजे आते तो 8 बजे आइए, नाम लीजिए। 6 बजे एकदम 6 बजे 6 बजे आते हैं। तो 6 बजे आप आते हैं, कुछ खा पी के भी आते हैं यहाँ पे? कितने बजे आप यहाँ पे आते हैं? 6 बजे 6 बजे आप आ जाते हैं यहाँ पे, खा पी के आते हैं या फिर? नहीं, भूखले आते हैं। भूखले कोई आता है, ऑटो वाला लगा दिया, मार मार के भगा देता है। अपना भोजन करेगा, जो पैसा नहीं रहेगा यहाँ पेट में तो भूखला नहीं पड़ेगा ना, तो कहाँ से खाएगा? गरीब आदमी कमाएगा तभी ना खाएगा, ना रहेगा तो कहाँ से खाएगा? अच्छा, दिन का कितना कमा लेते हैं आप लोग? देखियो, हम लोग कमाए 50, कभी 100, कभी 150, कोई अथी नहीं है। हम लोग कहाँ से खाएंगे? जिसको घर में 4 आदमी है, 5 आदमी है, 100 रुपया कमाएगा तो वो आदमी मेंटल कहाँ से करेगा? वो आदमी गरीब मरेगा कि रहेगा, है कि नहीं है? अच्छा, आप अपने बच्चे लोग को पढ़ाते हैं या नहीं? पढ़ाते हैं बच्चे यार को। कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? दरभंगा। दरभंगा किस जगह पे? अरे सरैया रतनपुरा। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट? सरकारी में। सरकारी में पढ़ते हैं। आपके बच्चे लोग पढ़ते हैं कि नहीं? जी, पढ़ते हैं सरकारी में। सरकारी में कितना दिन का कमा लेते हैं आप लोग? एक दिन का? दिन में जब से ऑटो निकला है जब से कमाई हम लोग का मर गया है। मैट्रिक वाला गरीब बहुत जो निकल गया, हम लोग का कमाई बहुत डाउन हो गया है, इसलिए हम लोग दिन भर प्रतीक्षा करते हैं तो कब सवारी आए तो हम लोग जाए भाड़ा में। अच्छा, एक बात बताइए कि ई रिक्शा का बहुत ही प्रचलन बढ़ गया है और देखिए ऑटो का ही प्रचलन बढ़ गया, तो आपके पास ग्राहक पहुँचते हैं? कम हो गया है। कम हो गया जी, इसी कारण कम हो गया। पहले नहीं था तो हम लोग का कमाई मर मौजी होता था, तरक्की करते थे, घर द्वार भी बनवा लेते थे। अब तो खाने से बचबे नहीं करता था, कहाँ से घर द्वार बनाएंगे, कहाँ से बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अच्छा, इस बार दिवाली में क्या कुछ कहना चाहिएगा? दिवाली में अभी बहुत बाजार मंदा चल रहा है तो उसमें हम लोग पर्व कहाँ से मनाएंगे? बहुत दिवाली में कुछ कमाई हो रहा है कि नहीं? अभी नहीं, अभी जो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। चाचा, एक बात बताइए, कितने बजे आप आते हैं और कितने बजे यहाँ से जाते हैं? 6 बजे में आते हैं, 7 बजे 8 बजे रात में जाते हैं, तैयो ने 50 रुपया, कहियो 25 रुपया होकर जाता है। अब हम अपने खाएंगे कि जमा देंगे? रिक्शा 40 रुपया 50 रुपया जमा है। 50 है? कितने ग्राहक मिलते हैं आपको एक दिन में, कम से कम? एक दिन में 2-4 हो गया तो हो गया बहुत, 1 लाख से। अच्छा अच्छा, जो आते हैं ग्राहक जैसे पकड़ा अपना चल दिए, कहते जाओ जाओ बोलो बैठो रहो, नहीं जाएंगे तुम्हारा रिक्शा वाला 50 रुपया 40 रुपया, तो आदमी तो भूख रिक्शा वाला मरवे करेगा। अच्छा, कोई मतलब कोई जो ग्राहक है आपसे बहसबाजी भी करते हैं, आपको डांटते हैं, कोई ऐसा मिला हो? कोई ऐसा मिला है? नहीं, अभी तो नहीं। आप आए थे, कोई मिल जाता है? आपको नहीं मिला? आपको मिला है? इतने कोने माया का मिल गया तो मिल गया था, नहीं। तो देखिए मोल भाव बिल्कुल ना करें रिक्शे वालों की, इतने गरीब है। बस एक ही है कि हमारा प्रयास है और आपका सहयोग रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आप ई रिक्शा या ऑटो को छोड़ के रिक्शा का इस्तेमाल करें ताकि इनके घर में भी दीपावली के दिन में एक दीप जरूर जले। क्या हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा जो दर्शक आपको बोल रहे हैं? सही बात बोल रहे हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं कि ज्यादा लोग ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, आप क्या कहना चाहिए? 40 रुपया में चल जाता है बैटरी वाला, उतना हम लोग मांगते हैं, हम लोग के गाड़ी पर नहीं बैठता है।
तीनों आदमी है तो ऑटो किया चल जाता है बैटरी वाला पर, हम लोग रिक्शा पर नहीं जाता है। मेहनत करना कोई इनसे सीखे, जी हाँ, आपका जो शरीर का भार है ये अपने शरीर पे और अपने जांग पे अपना पूरा भार लेके रिक्शा पे और आप जहाँ भी जाएंगे ये सफर आपको करवाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा आप कोशिश आपको ये करनी होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा रिक्शा का इस्तेमाल करें। ये देखिए ऑटो यहाँ पे लगा हुआ है, रिक्शे वाले वो देखिए तकरीबन 2-3 घंटे का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी भी ग्राहक जो है यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं और शायद यही वजह है कि रिक्शे वालों के घर पे मंदी छाया हुआ है और इनका जो रोजगार है वो बढ़ नहीं पा रहा है। जितने भी नेतागण हैं उनके जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन इन रिक्शे वालों के जो बच्चे हैं ये सरकारी स्कूल में आखिर क्यों पढ़ते हैं? आप रिक्शे वाले नहीं, आइए इन रिक्शे वालों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? चाचा जी ये बताइए कि आपके बच्चे लोग पढ़ते हैं कि नहीं? बच्चा मतलब ज्ञान हो गए, बाल बच्चे वाला हो गए, बाल बच्चे वाला वो पढ़े लिखे हैं या नहीं? परवरिश हो जाता है घर का, चल जाता है घर, वही एक चक्कर बचल कहियो 150 कहियो 50। कितना मंदी यहाँ छा रहा था, कितने घंटे इंतजार करते हैं तो ग्राहक पहुँचते हैं? हाँ। कितने घंटा के बाद पहुँचते हैं आप? बहुत देर के बाद पहुँचता है, अब सवेरे जब बैठ लिए थे एगो भाड़ा मार लिए। एगो भाड़ा? अच्छा कहाँ सोते हैं जब थक जाते हैं तो कहाँ सोते हैं? अपना डेरा भाड़ा हाथी ले लू वहाँ। कहाँ पे? जहाँ डेरा हाथी ले लू वहाँ सोते रहेंगे। अपना डेरा पे सोते हैं? कहाँ से आएंगे, कहाँ पे रहते हैं आप? मुजफ्फरपुर में किस जगह? सीतामढ़ी जिला में रहते हैं। तो अभी यहाँ पे कहीं रहते होंगे ना ठहरने? हाँ। यहाँ पे भाड़ा लेके रहते हैं, कितना भाड़ा देते हैं? 1500। तो देखिए इन तमाम रिक्शे वाला का एक यही मांग है कि ज्यादा से ज्यादा रिक्शा का प्रयोग करें ताकि इनके घर में जो दिया है वो जरूर जले। और हमारी ये मुहिम यही है कि आप अगर इस खबर को आप देख रहे होंगे तो देखिए ये रिक्शे वालों को देखिए और ऑटो वालों को भी देखिए। हम ऑटो वालों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऑटो आराम से चला जा रहा है, डीजल पेट्रोल की गाड़ी में जो है वो गाड़ी आराम से चली जा रही है, लेकिन इन जो रिक्शे वाले हैं इनकी जो मेहनत आप देखिएगा, ये देखिए ये ठेला वाले हैं किस तरह मेहनत मजदूरी करके अपने भार उठा के जिंदगी अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो इस दिवाली उन मेहनत करने वालों की और उन लोगों की जो आपके मुसीबत में हमेशा खड़े रहते हैं, तो एक दिया उनके नाम की हमारी जो कोशिश है और आपका जो प्रयास है वो जरूर होना चाहिए। आपका एक सहयोग ये रंग ला सकता है और आप जरूर इस मुहिम में हमारा साथ देंगे, ये हम यकीन जरूर करते हैं। और देखिए दिवाली में सबसे बड़ी बात है कि इन पुलिस वाले को देखिए, ये अपना छुट्टी को त्याग करके ड्यूटी पे तैनात रहते हैं ताकि जो यहाँ का जो जाम का जो व्यवस्था है वो सही तरीके से चल पाए। इन पुलिस वालों को भी सलाम है जो कि हर मुसीबत में हर समय में आपके साथ खड़े रहेंगे ताकि आपको कोई मुसीबत ना हो। तो देखते रहिए महाखबर 24। मैं आपके साथ था अनीस राज, कैमरा पर्सन आदर्श सिंह राजपूत के साथ।